song था सनी लियोनी का, वो इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था बेबी डॉल, एंड साथ ही साथ इन्होंने और बहुत सारे यू नो फिल्म्स में इन्होंने अपनी कोरियोग्राफी का काम दिखाया है, जैसे रॉकस्टार, कार्तिक कॉल। और अब मास्टर पुनीत के बारे में क्या कहूँ, ये बहुत ही एकदम यूनिक है, इसलिए है क्योंकि सीजन वन में ये एज ए ऑडियंस थे, सीजन टू में ये कंटेस्टेंट, और अब सीजन फाइव में ये मास्टर बन चुके हैं। गाइस, इससे पहले आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक कंटेस्टेंट जो दो तीन साल पहले आया था उसने अपना टैलेंट दिखाकर आज वो डांस इंडिया डांसरों का ताजा हो जाए। चलो फिर कुछ बातें करते हैं इनसे भी। मास्टर बता सर बताइए। हेलो एवरीवन, डीआईडी हमेशा हर साल अलग अलग सीजन आते हैं और हर साल उसका सबसे पहला चीज जो है डांस, वो नया होता है हर बार। एक लेवल हम जो क्रिएट करते हैं एक सीजन में, एक बेंचमार्क बनाते हैं और फिर उसके बाद हम अगले सीजन पे जाते हैं और वो बेंचमार्क वहां से शुरू करते हैं और उसको एक नई ऊंचाई ले जाते हैं। तो इस बार भी हम वही करेंगे, हम जो रिकॉर्ड हमने खुद बनाया है उसको हम ब्रेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और नए डांस फॉर्म्स और नए डांस स्टाइल्स, इंटरनेशनली इंडियन में भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो अभी तक लोग नहीं जानते, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारा कॉम्पिटिशन करेंगे, बहुत सारे यूनिक फॉर्म्स जो हमने सोच के रखे हैं वो हमारे कंटेस्टेंट्स को सिखाएंगे। और नया एक और है कि हमारे पास मेरे दो नए दोस्त हैं मेरे साथ, तो वो और हम तीन मिलके ये डांस की जर्नी को एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही एक्साइटिंग बनाएंगे और ढेर सारे नए नए डांसेस पूरी कंट्री को देंगे और लोगों को घर 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 टीवी तक सब जगह पर हम हमारा डांस दिखाएंगे सबको और उम्मीद है सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। बट बिहाइंड द सीन्स, तो पीछे रह के काम किया है, मगर हर बार मुझे अगर कोई डांस रियलिटी शो पसंद आया है एंड दिस वाज़ द फर्स्ट वन एवर इज डांस इंडिया डांस, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक शो है जो लिटरली गांव-गांव, छोटे शहर बड़े शहर हर जगह जाके, मतलब हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है एंड डांस इंडिया डांस इज वन शो जो हीरे निकाल के लाता है एंड दे गिव इट टू अस और हमारा काम इतना बढ़ जाता है कि हम यू नो हम जौहरी बन जाते हैं एंड वी आर द वंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कार्व दैट डायमंड। मगर बिगेस्ट डांस इंडिया डांस ऐसा शो है जो वो हीरे निकाल के लाता है, तो मेरे हिसाब से इट इज द एपिटोम ऑफ अ डांस रियलिटी शो। क्या बात है जी, कल तक आप आए थे यू नो तीन साल पहले एज ए कंटेस्टेंट, कभी आपने सोचा था कि इतना बड़ा मुकाम आपको इतनी जल्दी मिल जाएगा या फिर यू नो आपने कभी सोचा भी था कि जो शो में आप एज ए कंटेस्टेंट आए थे उसी शो में आप एक बहुत बड़े जज बन कर आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नहीं, बिकॉज ये जो शो है डांस इन डांस, जब सीजन टू में मैं आया था तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर और वो एटमोसफियर में फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारा फोकस वही था कि डांस को कैसे अच्छी तरीके से दिखा पाए एज ए डांसर एज ए परफॉर्मर। कुछ साल बीत गए सेम शो बट एक अलग डेसिग्नेशन है, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट मजा तभी भी आएगा, काम वही है कैसे डांस को अच्छी तरीके से दिखाए। सो उम्मीद यही रहेगी और चाहत वही रहेगी कि हम तीनों डांस को अच्छी तरीके से दिखाए एंड आई होप दैट कौन जीते कौन हारे इम्पोर्टेंट नहीं है बट डांस की जीत होनी चाहिए। Fantastic. तो चलिए इसी के साथ में जी टीवी बिजनेस हेड मिस्टर प्रदीप हिजमाली जोरदार ताली हो जाए और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि बिजनेस हेड ऑफ एसएल विजन हाँ मैं अभी करता हूँ आगे आ रही हाँ गोदमी को डांस इन डांस की सीजन लेकर आ रहा है, जितने भी मैंने बाकी यू नो Anyways,
सीखने से क्या फायदा और ना सीखने से क्या फायदा, ना सीखने से यह फायदा है, ना सीखने से यह फायदा है कि आप जो थे वही रह जाएंगे, और सीखने से यह फायदा होगा आपका नाम रोशन होगा, आपकी नई पहचान होगी, आपको लोग जानेंगे कि ऑल्सो कैन डांस। सेहत के हिसाब से देखिए, अभी मैं और आप ऑलमोस्ट नजदीक आ गया हूं, तो सेहत के हिसाब से देखिए, सेहत से ज्यादा मैं एक बात जरूर कहूंगा, डांस इज लाइक ए प्रेयर, एक प्रार्थना है। आप जब भी कोई प्रार्थना करते हो, जैसे दिलो जान से आप चाहते हो भगवान को, एक बार डांस को भी उसी तरह अगर आपने इस्तेमाल किया है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि कनेक्शन होगी डायरेक्ट। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको इससे पहले कहा था कि ऑलवेज ए ट्राइड विद न्यू थिंग्स, न्यू टैलेंट, और जब तक आप कुछ देखते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर है क्या। आप ऊपर से जांच करते हैं, हम लोग सभी को बोलते हैं कि ठीक है लड़का यार, लेकिन कितना ठीक है हमको तब तक पता नहीं चलता जब तक हम उसे पेश नहीं करते। ये मेरी कोशिश रही और रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। जैसे मैंने कहा है कि मुझे किसी ने मौका नहीं दिया था, मैं हर को मौका दूंगा, जिन्हें मैं टैलेंट देखूंगा मैं उन्हें मौका दूंगा। और जो तीनों इस वक्त इधर हैं, पुनीत ये 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 सफर तय कर चुका है, इससे ज्यादा डांसिंग या डांस को कोई नहीं जानता। क्यों? ये वो दुख देखा है, वो एलिमिनेशन देखा है, दोस्तों को वापस जाते हुए देखा है, और साथ साथ जीत लहराता वो भी देखा है। उसके पास है केटी, जिसको मैं क्यूटी पाई बोलता हूं। इन्होंने सिखाया है लोगों को, स्टार्स को सिखाया कि इस तरह से पेश करो, दिस इज योर स्टार्डम, दिस इज योर एक्स फैक्टर, एंड बीआईडी इज द बर्थ प्लेस ऑफ द एक्स फैक्टर्स, इट इज द बर्थ प्लेस। हम उसी एक्स फैक्टर को ढूंढते रहते हैं। आपको देख के छोटा लड़का कभी नहीं लगेगा कि वो ऐसे डांस कर सकता है, लेकिन मैं दावे से तो कुछ नहीं कहता जिंदगी में, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं कि मेरी नजर अब उस तक चली गई है कि मैं बोल सकता हूं कि यू आर द वन, यू आर द डार्क हॉर्स। अगर आप डीआईडी के सारे शोज देखे होंगे तो इनडायरेक्टली मैं बात कर सकूं। लास्ट टाइम भी जो उड़ीसा की लड़की जीती थी, मैंने कहा था एवरीबॉडी वॉच आउट, शी इज गोइंग टू बी द डार्क हॉर्स एंड शी बिकेम द चैंपियन। तो ये लड़की वो है जो सिखा कर रही है, बहुत तकलीफ में जाने वाली है, कि उन लोगों को सिखाया है जिनको थोड़ी बहुत कुछ आता है, या जिनको सिखाने जा रहा है डांस में। डांस से बड़ी चीज है मोटिवेशन, टू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन स्टेज, टू स्टैंड करेक्ट ऑन योर फीट, बिकॉज यू नो द होल इंडिया इज वॉचिंग यू। दैट्स माय अनदर चॉइस। एंड द अदर वन एक्सपीरियंस, बहुत लोगों को उसने भी डांस करा, लेकिन यहां आने के बाद उनको पता चला था कि मैं दादा इसको मसूर दाल क्यों बोलता है। बहुत गुस्से में था कि दादा मैं सोसाइटी में जा नहीं सकता, सब मुझे मसूर दाल बोल रहे हैं, मेरे फेसबुक में मसूर दाल और चावल आ रहे हैं, मतलब वही फर्स्ट समान जब मुझे मिले नेक्स्ट स्टार। और आज खुद आके बोलता है कि दादा आपने मुझे बहुत बड़ा स्टार बना दिया। सो दिस इज ओनली साइन, आई बी सक्सेसफुल अगेन गारंटी से तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना यकीन दिला सकता हूं। आप बोलेंगे मिस नहीं करते, जरूर मिस करते। आप एक बार जब दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं उसके बाद दोस्ती छोड़ तकलीफ होती है ना, लेकिन ये भी एक स्टेट ऑफ लाइफ है। यू कीप ऑन ग्रोइंग, यू कीप ऑन स्टार्टिंग पीपल, हिटिंग पीपल, मेक देम डू इट, एंड दैट्स माय ऑलवेज बीन माय फाइट इन लाइफ, आई हैव बीन डूइंग इट।